हेलो माय डियर स्टूडेंट स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फर्स्ट टाइम जो अरस्तु ने दिया था उसको स्टडी किया। तो आज हम जानेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है स्टूडेंट, इसको जो है कि सर्वप्रथम आर्य विटेकर ने प्रपोज किया था और इन्होंने कहा था, जैसे कि ड्राबैक आपने देखा ही था लिनियस का जो क्लासिफिकेशन है उसमें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को एक साथ रख दिया गया था, प्लांट और एनिमल को, प्लांट में फंगी को रख दिया गया था। तो इन्होंने कुछ मॉडिफाइड करके और एक नया सिस्टम डेवलप किया जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म को एक अलग ग्रुप में उसके स्पेशल प्रॉपर्टी के आधार पर रखा गया। और इन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने के लिए पांच ग्रुप बनाया जिसको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। और इन्होंने पांच किंगडम का नाम रखा, फर्स्ट का नाम रखा किंगडम मोनेरा, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। जो इन्होंने पांच किंगडम या पांच ग्रुप बनाया वो कुछ सर्टेन बेसिक प्रॉपर्टी के आधार पर, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी थे जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इन्होंने सर्च किया और मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म को एक किंगडम में रख दिया, जो नहीं मैच कर रहा था उसको अलग किंगडम में रखा। तो वो प्रॉपर्टी जिनके आधार पर इन्होंने जीवों को अलग अलग किंगडम में कैटेगराइज किया, जिसमें पहला है सेल स्ट्रक्चर्स की स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा है, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसा है, वो कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कैसा भोजन ले रहे हैं, रिप्रोडक्शंस कैसे कर रहे हैं और इनका फाइलोजेनिक रिलेशनशिप मतलब इनके एंसेस्टर्स इनके पूर्वजों से इनमें क्या मिलता जुलता कैरेक्टर्स है। इनके द्वारा दिए गए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो सभी प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक थे उनको किंगडम मोनेरा में रख दिया गया, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। अब प्रोटिस्टा में ही क्लेमाइडोमोनास वगैरह जो क्लोरेला वगैरह है इनको रख दिया गया, जबकि जो एल्गी वगैरह है इनको जो है प्लांट किंगडम में रख दिया गया और एनिमल किंगडम में पैरामीशियम अमीबा वगैरह से लेकर के इनको रख दिया गया जिनमें सेल वाल नहीं पाया जाता है। और इस तरह इन्होंने अपना प्लांट किंगडम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। आइए जानते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में ब्रीफली हम देखते हैं। तो किंगडम मोनेरा फर्स्ट इन्होंने रखा, सबसे एंशियंट किंगडम है और सबसे प्राचीन किंगडम है, मतलब अर्थ पर सबसे पहले माना भी जाता है कि किंगडम मोनेरा के जंतु है। तो ये एक यूनिसेलर और प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, उसके बाद प्रोटिस्टा है, उसके बाद जो है प्लांटी, एनिमिलिया और फंगिया। इनके द्वारा क्लासिफिकेशन जो दिया गया उसमें फाइव किंगडम बनाया गया और फाइव किंगडम में एक को मोनेरा में रखा गया कुछ जीवों को, कुछ प्रोटिस्टा में, कुछ प्लांटी में, कुछ एनिमिलिया में और कुछ को फंगी में रखा गया। अब किन किन प्रॉपर्टी के आधार पर इनको अलग अलग ग्रुपों में कैटेगराइज किया गया
आइए जानते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन और वह प्रॉपर्टी जिनके आधार पर इनको अलग अलग ग्रुपों में कैटेगराइज किया गया। पहले तो हम जानते हैं कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी है और एनिमिलिया है। ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है। पहला हम देख लेते हैं सेल टाइप, इनमें सेल कैसा पाया जाता है। तो किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा से लेकर के और एनिमिलिया तक यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो जीवों में है वो सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो मोनेरा में के जो जीव हैं वो यूनिसेलर होते हैं, प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलर होते हैं, फंगी में मल्टीसेलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलर भी हो सकते हैं, जबकि प्लांटी में मल्टीसेलर हो सकते हैं और एनिमिलिया में भी मल्टीसेलर हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें जीवों में सेल वाल कैसे बना हुआ है, तो मोनेरा में सेल वाल प्रेजेंट होता है, प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होता है लेकिन मैक्सिमम में सेल वाल एब्सेंट होता है, और फंगी में और प्लांटी में दोनों में सेलवाल प्रेजेंट होता है, जबकि एनमिलिया में सेलवाल क्या होता है, अब्सेंट होता है। अगर उसके बाद हम देखें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो न्यूट्रिशन किस में कैसा कैसा होता है, तो मोनेरा में फोटो ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेटरोट्रॉपिक भी होता है और कीमोट्रॉपिक भी होता है, जबकि प्रोटिस्टा में हेटरोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक होता है, फंगी में सिर्फ हेटरोट्रॉपिक होता है और प्लांटी में फोटोट्रॉपिक, एनिमिलिया में हेटरोट्रॉपिक। और क्लास टेंथ में आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन अच्छे से पढ़े भी हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है क्या है। उसके बाद डियर स्टूडेंट अगर बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, तो ये ऑब्जर्व करते हैं मोनेरा के जो जीव हैं वो फूड को क्या करते हैं, वो फूड को ऑब्जर्व करते हैं, प्रोटिस्टा के ऑब्जर्व भी करते हैं और इंजेस्ट भी करते हैं, फंगी को ऑब्जर्व करते हैं और प्लांटी को मोस्टली ऑब्जर्व करते हैं, जबकि एनिमिलिया को मोस्टली इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट और ऑब्जर्व मंत्र क्या, जो सब पचा पचाया भोजन है, डाइजेस्टिव फूड को अगर एब्जॉर्ब कर लिया जाए, बॉडी में अवशोषित कर लिया जाए, तो उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जबकि इंजेक्शन मतलब पहले भोजन को लें, इंटेक करें, उसको डाइजेस्ट करें और फिर बॉडी में ये सब प्रोसेस हो, फिर एब्जॉर्ब करें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये इस टाइप का प्रॉपर्टी के आधार पर जीवों को अलग अलग ग्रुप में RH Whittaker ने क्लासीफाइड किया, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है, जो आज भी इसी के बेसिस पर जीवों को क्लासिफाइड और स्टडी किया जाता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको अगर वीडियो आधारित PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल नारायण बायोलॉजी क्लासेस फॉर क्लास 11th पे विजिट करें और वहाँ पर आप इसका PDF प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच।